सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या मान लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक ट्रिक होता है, जब कुछ मानना रहता है तो इधर क्या करते हैं, इसको देख के मानते हैं। तो लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थीटा बराबर मान लेंगे, साइन इतना बराबर एक्स बराबर मान लेंगे एक्स बराबर साइन थीटा। थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, तो इसको इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब सबसे पहले जहाँ जहाँ कास है वहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर साइन थीटा रख देंगे। अब इसमें चलते हैं, क्या करेंगे, लिखा हुआ कास इनवर्स कर्णी में 1 माइनस, यहाँ लिखा हुआ क्या कास एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स के मान साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कास इनवर्स कर्णी में इसको हो सकता है, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे हम, यहाँ से हट जाएगा ये, क्या होगा कर्णी हट जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, थीटा बचा। अब थीटा बराबर क्या माने थे हम, तो यहाँ देखिए थीटा बराबर क्या माने, इतना माने हैं, तो यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। यही प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab। अब इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ देखना पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है टेन, तो इसका मतलब इसको मान लेंगे हम लोग टेन, टेन थीटा बराबर मान लेंगे ए, और इसमें बी है तो टेन फाई मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे टेन फाई। अब हम लोग साल्व करना चालू करते हैं, जहाँ ए लिखा रहेगा वहाँ टेन थीटा रखेंगे, और जहाँ बी लिखा रहेगा टेन फाई रखेंगे। तो कास इनवर्स सॉल्यूशन ले लेते हैं, कास इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है दोनों में, दोनों में कर दिया, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन फाई बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतने दूर को, इतना दूर का सूत्र होता है कॉस 2 थीटा होता है, इतना दूर का जो होता है वही सूत्र होता है, सिर्फ फाई लग जाएगा, cos 2 फाई। अब ये देखते हैं दोनों में कि यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, इसमें भी cos से cos कैंसिल हो गया, 2 थीटा माइनस 2 फाई, दोनों में दो कॉमन ले लेंगे तो थीटा माइनस फाई हो गया। अब थीटा का मान हम क्या माने हैं, तो टेन माने हैं, टेन थीटा हो जाएगा माइनस, अब फाई का मान क्या माने, टेन फाई माने हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है थीटा और फाई का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा और फाई का फार्मूला, तो यहाँ थीटा और फाई आ गया, लिखेंगे अब थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, चेंजिंग कर लेंगे, तो यहाँ से चेंजिंग करेंगे तो इधर कर लेते हैं टेन, थीटा का मान चेंज करेंगे तो इनवर्स ए हो जाएगा बराबर थीटा हो जाएगा, इस तरह निकल आएगा। और इसको करेंगे तो टेन इनवर्स बी फाई हो जाएगा, जो थीटा है वहाँ पर रख देंगे टेन इनवर्स ए,
आई माइनस इसका रख देंगे टेन इनवर्स भी, अब इसका जो फार्मूला होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, तो टेन ए टेन बी होता है वन माइनस, यहाँ टेन कर लेंगे कोष्टक में लगा लेंगे, टेन इनवर्स ए और बी का सूत्र होता है टेन का, तो वन माइनस टेन ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस ए बी, यही हमको प्रूफ करना था, सेम है, सेम आ गया। तो बस यही बात होती है, इसको थोड़ा सा ए बी मानना होता है, इसको इधर ट्रांसफ़र करना होता है जो यहाँ पर किए हैं, लास्ट में आएगा तो आप लोगों को ट्रांसफ़र करना होता है, इसको कर दोगे इसका मान रख दोगे तो आ जाएगा। इसमें फार्मूला का यूज किए हैं तो होता है टेन का सूत्र होता है टेन ए इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स बी बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी वन माइनस ए बी, ये सूत्र होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स बराबर वन बाई पाई बाई फोर का मान एक मूल ऋणात्मक है। सबसे पहले इसको ज्ञात करना है ऋणात्मक है क्या है, तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका ये पूरा दोनों लिख लेंगे, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स बराबर पाई बाई फोर। अब इसको क्या करेंगे, टेन के फार्मूले में चेंज कर लेंगे, तो टेन इनवर्स फार्मूला होता है ए प्लस बी वन माइनस ए बी, इधर हो जाएगा टेन, 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स वन। अब ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तीन दो पाँच एक्स, यहाँ बचेगा वन माइनस दो तीन छः एक्स स्क्वायर बराबर वन, इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो फाइव एक्स, इसको इधर कर लेंगे तो वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको इधर ही बुला लेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस, इधर है ये है इसको इधर बुलाएं तो माइनस, इसको इधर बुलाएंगे तो ये प्लस हो गया, ये पहले से प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस वन बराबर जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणन, अब इसका गुणा करेंगे छः का मैच, छः में से पाँच जाए एक, मतलब छः में से पाँच जाएगा तो एक बचेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे छः एक्स में से एक एक्स घटा लेंगे माइनस वन बराबर जीरो, इसमें से घटाते तो पुनः वापस चले जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे छः एक्स, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन, दोनों सेम डब्बा है तो एक्स प्लस वन एक जगह, और इसको लिख लेंगे एक्स छः एक्स माइनस वन बराबर जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर बना लेंगे चिन्ह, ये जब बना लेते हैं एक्स प्लस वन बराबर जीरो, यहाँ पर कर लेंगे सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसको इधर भेज देते हैं सिक्स एक्स बराबर वन, इसको इधर भेजेंगे एक्स बराबर माइनस वन, इसको अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स बराबर लेंगे एक बटा छः, क्योंकि छः को नीचे भेजेंगे आंसर हो जाएगा, पूछा है क्या इसमें, एक मूल ऋणात्मक है तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स बराबर माइनस वन, एक मूल ऋणात्मक है आंसर। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स बराबर वन होगा, सिद्ध करना है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन को उतार लेंगे, पहले हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन लेंगे तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले उतार लेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस
टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर पाई बाई टू, ये उतार लेंगे इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है बाई फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले पर रख देंगे टेन इनवर्स, इसका एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब यहाँ लिखेंगे वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई बाय टू। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना लिख लेंगे टेन इनवर्स, इतना लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे वन माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर टेन इनवर्स, इसका मान होता है नब्बे, टेन इनवर्स नब्बे का मान होता है एक बटा जीरो होता है, इन्फिनिटी होगा, टेन से टेन कैंसिल हो गया, लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ हो गया वन माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ हो गया एक बटा जीरो, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, मतलब दोनों का तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका करेंगे जीरो मिलेगा, इसका करेंगे एक में तो वन माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इधर बुलाएंगे तो वाई हो गया, इसको इधर बुलाएंगे प्लस में हो गया वाई जेड, इसको इधर बुलाएंगे प्लस जेड एक्स, लास्ट में क्या बच गया, एक बच गया, यही प्रूफ करना था। सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है, इसका मान जो होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की जगह पे हमको रखना क्या, एक बट्टा जीरो रखना है, अगर रखोगे तो आंसर पक्का आएगा, अगर नहीं रखते हो तो आंसर 100% गलत होगा, तो इसको ध्यान से रखना होता है। इसमें यही ट्रिक है कि इन्फिनिटी की जगह पे एक बट्टा जीरो रखो, कोई भी संख्या जब जीरो से भाग देते तो इन्फिनिटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इतना रखना होता है। अब जब इसका गुणा करेंगे तो इधर जीरो हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, आराम से नोट कर लो। चलो आते हैं बम्पर, साला जियो वोडाफोन भी सल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इन लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बराबर टेन इनवर्स आठ बट्टा इकतीस को हल कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को सबसे पहले उतारेंगे हम लोग, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बराबर टेन इनवर्स आठ बटा इकतीस। अब इसको टेन के फार्मूला में चेंज कर लेंगे, तो टेन इनवर्स फार्मूला मालूम है ए प्लस बी होता है, फार्मूला लिख दें, इधर लिख देता हूँ, टेन इनवर्स ए प्लस बी वन माइनस ए बी होता है, तो ए का मान ये है, बी का मान ये है, रख देते हैं प्लस में, बी का मान है एक्स माइनस वन अपन वन माइनस ए बी का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा, अब ये वन से वन कैंसिल हो गया, इधर पहले उतार लेते हैं, टेन इनवर्स टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, एक एक्स एक्स एक दो दो एक्स हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो वन माइनस गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर है, एक का गुणा करेंगे तो एक ही मिलेगा, फार्मूला होता है ए प्लस बी है माइनस बी का सूत्र होता है, तो इसी पे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हो गया आठ बटा इकतीस, अब क्या करेंगे माइनस वन का गुणा इसमें कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे माइनस गुणा न करके यहाँ काट लो, तो यहाँ बचा चार, यहाँ बचा एक्स, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस वन हो गया। अब इसका देख लेते हैं, माइनस के अंदर गुणा हो गया, एक तो यहाँ पहले से था, ये देखो और एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे फोर इकतीस,
31 का इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका करेंगे 33x, और इसका एक एक दो हो जाएगा, तो चार यहाँ लिख लेते हैं, 2 - x², इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 31x इधर हो जाएगा 4 × 2 = 8, और इधर हो जाएगा 4 × 4 = x². सबको इधर ये बुला लेते हैं, 4x², पहले से 31 था ही यहाँ पर, 8 भी इधर ही आ गया। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर करना है, 8 × 4 = 32 होता है, यहाँ 31 लाना है, तो 32 में से 31 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 × 4 = 32 होता है, हमको 31 लाना है, तो 32 में से घटा देंगे तो 31 आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, तो x - 8 × 32 8 बचेगा, या -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 8 बचेगा बराबर 0। इन दोनों का सेम है तो सेम लिख लेते हैं, ये अलग अलग है तो अलग अलग लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे चिन्ह इसके साथ एक बार, तो x = -8 हो गया, और इसके साथ एक बार, तो x = हो जाएगा माइनस, इधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 को नीचे भेज देंगे तो 1/4 आंसर हो गया। तो ये बात सबको समझ में आई, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग एक सूत्र जान लेते हैं, बाई फार्मूला। तो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ओ एक्स बराबर होता है π/2, ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, इसी पे हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, चाहे इसको भेज लेते हैं, चाहे इसको भेज लेते हैं, किसी एक को भेजना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भेज लेता हूँ। तो यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 12x, और इसको इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स, इसको इधर भेज रहा हूँ π/2 - साइन इनवर्स इतना। अब चूंकि इतना बराबर होता है, अगर इसमें से हटा दिया जाए इसको, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा cos, इतना दूर का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको हम भेज देते हैं इधर तो इतना दूर बराबर cos हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 12/x, यहाँ पर लिख लेंगे cos इनवर्स 5/x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स 12x इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, चाहे उसको कर लो, तो इसको कर लें, चाहे उसको कर लें, इसको साइन में कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स कर्णी में होता है 1 - लिख लेते हैं 5² / x। सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, इतना बराबर कितना होता है, तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, 12/x बचा, और इसमें कर्णी में हो गया हमारा 1 - इसका हो जाएगा 25, और इसका हो गया क्या, x² क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगी, इस वाला मत्था में कड़ी हट जाएगी, ये जो होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 144 हो गया, यहाँ पर हो गया x², यहाँ पर हो जाएगा कड़ी हट जाएगी, तो 1 - 25 x². अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, 144 x², और यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे x² - 25, और नीचे हो जाए x² से x² ख़त्म हो गया। अब ये इसको इधर भेज देते हैं, 144
आप 25 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका कांडी कर लेंगे 169 का एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 13 हो जाएगा, जो इसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, मान ज्ञात करना है तो इसका हल यही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस टैन इनवर्स 3/5 बराबर इतना सिद्ध करना, टैन इनवर्स 27/11 सिद्ध करना। आप कैसे सिद्ध करेंगे जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइड में ले लेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 लंब बटा कर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से टैन निकाल लेंगे हम लोग, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ से टैन निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ तो आधार है नहीं, आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, यह तो हो गया कर्ण का मान 5 का, लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस आधार, तो मालूम नहीं है ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे, 25 हो गया, इसका 3×9 हो गया, यह हो गया आधार का स्क्वायर। अब 25 यहाँ कर लेंगे, 9 घटा लेंगे, यह हो गया आधार का स्क्वायर, 25 में से न जाएगा 16 बचेगा, यहाँ हो गया आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कर्णी में जाएगा, कर्णी में 16 आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा यहाँ 4 हो गया, आधार बराबर क्या आ गया 4 आ गया, मतलब ये 4 आ गया। तो यहाँ से निकालेंगे टैन थीटा, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार का मान कितना निकल आएगा, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, अब इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टैन का मान रखेंगे, टैन इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पहले से है टैन इनवर्स 3/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले टैन का फार्मूला लगाएंगे, टैन इनवर्स ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी, ये सूत्र होता है, इसी पर रखना होता है, 3/4 प्लस 3/5 बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5। तो रख लेंगे टैन इनवर्स, इसका 4×20, इसका गुणा इधर 3×15, इसका गुणा इधर 4×3=12, नीचे हो जाएगा ऐसे ही गुणा करेंगे, 3×9 हो गया 4×20, तो यहाँ लिखेंगे टैन इनवर्स, ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15×12=27, 20, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20-9/20, काट लेंगे टैन इनवर्स 27 हो गया, 20 में से 9 जाएगा तो 11 हो जाएगा, यही प्रूफ करना होता। जैसे कि पेपर में या बुक में दे देता है कि ऐसे सूत्र से यूज करके लगाने के लिए, साइन थीटा बराबर होता 1-cos²θ, ऐसे करके कह देता है लगाने के लिए, तो ये भी सही है, या तो ऐसे लगाओ लंब बटा कर्ण से, सबसे बढ़िया लंब बटा कर्ण वाला फार्मूला होता है, बहुत जल्दी लग जाता है, अच्छा भी है और कम समय में लग जाता है।